हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल। आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 के 16th मैच के बारे में, जो खेला जाने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो भाई, पहले बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। इस टीम ने अभी तक इस सीजन 3 मुकाबले खेला है, जिसमें से 2 मुकाबलों में जीत मिली है, 1 मुकाबला हारे है। पिछला मुकाबला एसआरएच के खिलाफ खेला था, जिसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बॉलर्स ने अपना काम किया था, अच्छी बॉलिंग की थी, पर बैटिंग में कोलैप्स हुआ था और एक छोटा सा टोटल ये चेज नहीं कर पाए थे। पिछला मैच हारे जरूर थे, पर मेरे ख्याल से इन्हें कोई भी चेंज नहीं करना चाहिए, उसी टीम के साथ जाना चाहिए, अपने खिलाड़ियों को बैक करना चाहिए। तो प्लेइंग 11 की बात की जाए तो पृथ्वी शॉ, जिनका फॉर्म काफी अच्छा है, शिखर धवन ने भी रन बनाए हैं, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर से उम्मीद है। इसके अलावा शिमरन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, कगिसो रबाडा, ईशान शर्मा और एंड्रिच नॉर्जे। बात करें इस वीडियो के स्पॉन्सर वनएक्सबेट की। वनएक्सबेट की वेबसाइट या ऐप पे आप क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या दूसरे स्पोर्ट्स के मैचेस लाइव 24/7 देख सकते हो। आईपीएल 2020 की आपकी फेवरेट टीम के लाइव अपडेट्स और लाइव मैचेस भी आप वनएक्सबेट पे 24/7 देख सकते हो। और इतना ही नहीं, आप आईपीएल के मैच यहाँ पे लाइव तो देख ही सकते हो, और फर्स्ट डिपॉजिट पे वनएक्सबेट देता है आपको 100% बोनस 8,000 तक के किसी भी अमाउंट पर। And one day he placed a bet and he made lots of money. But where? At OneXBet. And who's that guy? Is it you? No, it's you. और इतना ही नहीं, मेरा प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 100% की जगह 130% एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। तो प्रोमो कोड और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए जल्दी से रजिस्टर कीजिए और आईपीएल के लाइव मैचेस देखिए और अपना 130% एक्स्ट्रा बोनस भी क्लेम कीजिए। अभी बात की जाएंगे अपनाउंस कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो इस टीम ने भी अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले में जीत मिली है, 1 मुकाबला हारे हैं। पहला मुकाबला हारे थे, पर उसके बाद दोनों ही मुकाबले जीते हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस काफी हाई होगा। ये पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पोजीशन पर है, वैसे दिल्ली की टीम दूसरे नंबर पर है, तो काफी क्लोज कॉन्टेस्ट होने की उम्मीद है। पिछले मैच में इनकी बैटिंग में हमें एक मिनी कोलैप्स देखने को मिला था, पर वो भी इनके लिए घातक हो सकता है, उसे इस मैच में सावधान रहना चाहेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉलर खिला रहे, एक्स्ट्रा स्पिनर को इन्होंने खिलाया है, जिसके चलते इनकी बैटिंग में गहराई कम हुई है, और जिसके चलते अगर थोड़ा सा भी कोलैप्स होता है तो इनकी पूरी पारी के लिए वो चीज़ काफी रिस्की हो जाती है। इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इन्हें भी मेरे ख्याल से कोई भी चेंज नहीं करना चाहिए। तो प्लेइंग 11 कुछ ऐसी होगी: शुभमन गिल, सुनील नारायण, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, गोयन मॉर्गन, आंड्रे रसल, पैट कमिंस, शिवम मावी, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और कमलेश नागरकोटी। इस मैच की मिलिट्री में 11 टीम की बात की जाए तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टीम के बेसिस पर अपनी खुद की टीम भी बना सकते हैं। ये मुकाबला खेला जाएगा शारजाह में, और यहाँ पे हमें अभी तक बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिली है, हाई स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं, 224 का टारगेट भी हमें यहाँ पे चेज होते हुए देखने को मिला है। ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली पिच ही रही है, ग्राउंड भी छोटा है, तो जिसके चलते यहाँ पे छक्के चौके भी ज्यादा लग रहे हैं। पिच को देखते हुए पिच काफी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली है, ग्राउंड का साइज भी काफी छोटा है, तो एक्सपेक्टेड स्कोर की बात की जाए तो 200 का स्कोर यहाँ पे अच्छा स्कोर माना जाए। अगर आपने 200 के आसपास रन बना दिए तो आपने एक अच्छा स्कोर बना दिया है। हेड टू हेड की बात की जाए तो ओवरऑल तो डोमिनेशन केकेआर का ही ज्यादा है, पर इन दो टीमों के बीच में जो पिछले 5 मुकाबले खेले गए थे उनमें से 3 मुकाबले दिल्ली ने जीते थे, 1 मुकाबला टाई भी हुआ था, उसे सुपर ओवर में दिल्ली ने जीता था, वही केकेआर सिर्फ 2 मुकाबले जीत पाया था। तो हेड टू हेड में पिछले 5 मुकाबले में दिल्ली का डोमिनेशन ज्यादा है, पर फिर भी मैं कोलकाता के साथ जाना चाहूंगा, मुझे लग रहा है केकेआर ये मुकाबला जीतेगी। मेरा मैच प्रेडिक्शन है कोलकाता नाइट राइडर्स पर, ये मेरा पर्सनल मैच प्रेडिक्शन है। दिल्ली की टीम भी काफी अच्छी है और हमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।